हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो वीडियो है ना भाई, वो बहुत ज़्यादा नॉलेजेबल और इंटरेस्टिंग है। और मैं इस एक पार्ट के बारे में आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, जो मतलब मुझे नहीं लगता कि हम जो है ना उसके ऊपर कभी ध्यान देते होंगे। तो भाई विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम शुरुआत करते हैं। देखो, सबसे पहले आप एक चीज़ नोट कर लेना, हमारी गाड़ी और रोड के बीच में जो कॉन्टैक्ट जो होता है ना, वो हमारी गाड़ी के जो टायर लगे हुए हैं उनका जो होता है कॉन्टैक्ट होता है, बराबर। अब ये जो टायर होते हैं ना, ये लगे हुए किससे होते हैं? विद द हेल्प ऑफ नट एंड बोल्ट। तो ये जो नट बोल्ट हैं, ये इतना क्रूशियल और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं ना भाई, हमारी सेफ्टी, गाड़ी की सेफ्टी और जो सड़क पर चल रहे हैं उनकी सेफ्टी को लेके, ठीक है। तो देखो, ये जब भी खुलते या बंद होते हैं, टाइट होते हैं या लूज़ होते हैं, ये सिर्फ तभी होते हैं जब या तो हमें अपनी गाड़ी में जो टायर लगे हैं उनकी व्हील अलाइनमेंट बैलेंसिंग वगैरह करानी होती है, या टायर वगैरह अगर पंक्चर हो गए। मैक्सिमम आज की डेट में तो भाई लगे लगाए जो होते हैं ना ट्यूबलेस टायर में, लगे लगाए आपके जो पंचर होते हैं वो लग जाते हैं। ये जो नट बोल्ट होते हैं ना, ये कितने टॉर्क पे सेट होने चाहिए भाई, ये हमारा जो है ना मैन्युफैक्चरर, हमारा जो मैनुअल आता है गाड़ी के साथ में, उसके साथ में साफ साफ लिख के देता है। हर गाड़ी के साथ जो भी मैनुअल आता है ना, हर गाड़ी के जो ये टॉर्क जो होते हैं ना, जो नट बोल्ट होते हैं, डिफरेंट लेवल पे सेट होते हैं। ऐसा नहीं कि इनको अंधाधुंध टाइट कर दिया या मतलब जो स्टैंडर्ड है आराम से टाइट किया। तो अगर आप नॉर्मल भी इसको सेट करोगे ना, तो एक टाइम कई बार ऐसा आता है कि ये लूज हो जाते हैं। तो लूज होने के कारण सबसे बड़ा नुकसान क्या आएगा, वो ये होगा कि अगर ये लूज रह गए तो जब आपकी गाड़ी चलेगी ना, टायर रोटेट होंगे, तो होगा क्या कि ये जो होंगे ना, उसमें टायर वॉबलिंग होगी। और वॉबलिंग होने के कारण क्या होगा कि आपकी गाड़ी जब चलेगी तो आपको क्या होगा ना, शेकीनेस या वाइब्रेशन फील होगी। तो एक बार जरूर ये चेक कर लेना कि कहीं नट बोल्ट आपके जो है वो लूज तो नहीं है, ठीक है। अब इसके अंदर जो सबसे बड़े जो नुकसान चालू होते हैं ना, वो नुकसान चालू होते हैं भाई जब ये नट बोल्ट जरूरत से ज़्यादा टाइट हो जाते हैं, ओवर टाइटनिंग हो जाती है। अब भाई ये कंडीशन क्या होती है, देखो अगर आप इनको मैनुअल जो हमारी गाड़ी के साथ जो टूल आते हैं ना, मैनुअल जो रेंज आते हैं उसके साथ करोगे तो कोई आइडिया नहीं होगा। हाँ, उसका आइडिया आपको तब लग सकता है जब आप फ्रिक्वेंटली चेंज करते होगे ना, तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि नहीं यार, इतना जो हमने उसको सेट किया ना, हाँ ये जो है ये प्रॉपर है। बट अगर आपने एक चीज़ नोट करी होगी, जब हम अपना कोई भी ऑटोमोबाइल जो वर्कशॉप वगैरह है, जो अपने जो कारना सर्विस होती है, वर्कशॉप में जाते हैं, वहां आपने देखा होगा न्यूमेटिक गन होती है। अब न्यूमेटिक गन होने के कारण क्या होता है, उन्होंने तो मैक्सिमम जो आपका जो टॉर्क होता है ना, उस पर सेट होता है। अब आपको पता है टॉर्क जो होता है वो न्यूटन मीटर में जो होता है वहाँ पे सेट होता है, डिफाइन होता है, ठीक है। तो वो तो मैक्सिमम नंबर पे जो है ना उसकी वैल्यू सेट करके रखते हैं। तो वहाँ कई बार क्या होता है, ओवर टाइटनिंग हो जाती है। अब ओवर टाइटनिंग का जो नुकसान है ना भाई, देखो सबसे पहले मैं आपको गिना देता हूँ होगा क्या। अब देखो, जैसे ये नट बोल्ट लगे हुए हैं, ठीक है, अब ये आपको पता है जब आप इसको नट खोलोगे तो अंदर जो होगा वो बोल्ट लगा होगा, वो इनबिल्ट है, ठीक है, जिसे मतलब हिंदी में बोले तो चूड़ी होती है। अब जो उसका थ्रेड होता है ना, जब हम इसको एक्सट्रीम लेवल पे ओवर टाइटनिंग करेंगे, तो जो उसका थ्रेड होता है, जो जिस पे चूड़ी कटी होती है, तो वो क्या होता है, उसमें खिंचाव होना शुरू हो जाएगा। और एक टाइम ऐसा आएगा जब ये प्रोसेस जो होगा बार बार रिपीट होगा, कि जो थ्रेड होगा ना, वो थ्रेड वीक होना शुरू हो जाएगा और नट बोल्ट की जो पकड़ होगी वो कमज़ोर होनी शुरू हो जाएगी। और इसी के अंदर दूसरा है कि आपने देखा होगा ना, ये कई बार क्या होता है ना, बहुत फिनिश्ड, मतलब आपने देखा होगा फैंसी टाइप के जो होते हैं ना, ये आपके जो नट होते हैं वो आने शुरू हो गए हैं। तो इसमें कई बार आपने देखा होगा क्रोम फिनिश्ड वगैरह होते हैं, ये भी सॉफ्ट पार्ट से बने होते हैं, ठीक है। तो अब जब इसको आप एक्सट्रीम लेवल पर ओवर टाइटनिंग करेंगे ना, तो उसका क्या कि एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो होगा ना, ये भी अपनी जो शेप होगा वो खोना शुरू कर देगा, और कई बार ये डैमेज भी होने के चांसेस बन सकते हैं, ठीक है। तो भाई मेजोरिटी नुकसान तो एक नंबर पे है, वो ही है। अब दूसरा नुकसान मैं आपको बता देता हूं, सेम जब आप देखो इसको एक्सट्रीम लेवल पे टाइट करेंगे, ठीक है, तो होगा क्या आपको पता, देखो ये जो ब्रेकिंग सिस्टम है ना हमारा, जो अंदर जो डिस्क जो पूरा रोटर लगा हुआ है, या पीछे की साइड जो ड्रम ब्रेक आते हैं वो लगा हुआ है, तो जब ये एक्सट्रीम लेवल पे टाइट होगा ना, तो ये क्या करेगा, आपस में ऐसे करके टाइट होगा, तो होगा क्या, ये जो डिस्क ब्रेक जो होगा ना, ये भी ऐसे करके श्रिंक होगा, मतलब एक दूसरे को खींचेंगे एक दूसरे, क्योंकि आप एक्सट्रीम लेवल में इनको टाइट करोगे। तो ये पता कब लगेगा, जब आप ब्रेक अप्लाई करोगे ना, ब्रेक अप्लाई करने के कारण इनकी जो काम करने की जो एफिशिएंसी है उनमें गड़बड़ हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो होगा क्या, आपको शेकीनेस हल्की सी, आपका वाइब्रेशन जो होगी ना वो फील होगी आपके स्टीयरिंग कॉलम के रैक के ऊपर, ठीक है, जब ये एक्सट्रीम लेवल पर टाइट होंगे। तो दूसरा ये नुकसान हो गया भाई। और तीसरा नुकसान मैं आपको बता देता हूँ, तीसरा नुकसान क्या होगा कि हम लोग जानते हैं अभी जैसे इस गाड़ी में, मेरी गाड़ी में क्या है, अलॉय व्हील्स नहीं है। अब नंबर और मैक्सिमम गाड़ी क्या होती है ना, अलॉय व्हील के साथ में आती है। अब जो अलॉय व्हील्स होते हैं ना, वो थोड़े से सॉफ्ट मटेरियल से बने होते हैं एज कम्पेयर टू जो स्टील रिम आती है। अब ये हम देखो, अब ये बार बार जब ओवर टाइटनिंग होगी तो होगा क्या कि आपके जो एलॉयज होते हैं ना, वो एलॉयज भी भाई साहब डैमेज होने की चांसेस बन सकते हैं, क्योंकि ये मैंने आपको बताया ये सॉफ्ट मटेरियल से बने होते हैं। अब इस चीज़ का निवारण कैसे आप करोगे, इस चीज़ का एक सबसे बड़ा निवारण क्या है, बट वो है कि थोड़ा सा महंगा सॉल्यूशन है और उस चीज़ पे खासा कोई ऐसा ध्यान भी नहीं दिया जाएगा। देखो सबसे पहले ना दिमाग में रखो कि जब आप वर्कशॉप वगैरह में कहीं भी सेट करवा रहे हो ना, एक बार उसको
बोल दो कि भाई इतने आप NM पे ना जो टॉर्क है वो सेट करो, उसके ऊपर ही आप इसको जो है ना जो है टाइटनिंग करो नट बोल्ट को। और दूसरा ये है कि भाई अगर हम खुद जो है ना, एक होता है आपका टॉर्क रिंच करके एक जो है ना टूल आता है, वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। तो टॉर्क रिंच में क्या होता है, वो मैनुअल भी होता है, उसके अंदर क्या होता है कि आप मैनुअली ना सेट कर सकते हो कि कितने टॉर्क पे आपको जो है रिंच के थ्रू जो है ना ये टाइट करेंगे। तो जब आप उसके हेल्प से इसको टाइट करेंगे ना, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब वो अपनी मैक्सिमम नंबर पे पहुंचेगा ना, उसके बाद वो क्लिक 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 करके आवाज़ आएगी। तो इसका मतलब समझ जाओ ये अपनी जो है ना मैक्सिमम नंबर ऑफ टॉर्क पे सेट हो चुका है, राइट। तो भाई ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी आप लोगों के साथ में। देखो हर चीज़ के बारे में ना अवेयरनेस होनी बहुत ज़रूरी है। तो होप ये वीडियो आप लोगों को थोड़ी सी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को एक लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच। जय हिंद।